ये फुल अम्ब्रेला लहंगा है और इसके बेल्ट की फिनिशिंग आप देख सकते हो। सो इसकी डिटेलिंग हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से फिनिशिंग दी गई है। सो देखो, लहंगे में इस टाइप से बेल्ट लगाना, प्लस पूरा बेल्ट ऊपर तक, जहाँ तक बेल्ट है वहाँ तक हमारी जिप कैसे लगानी है, यानी बेल्ट तक हमारी जिप रहने वाली है इसमें। ये देखो, तो इस टाइप के लहंगे में बेल्ट कैसे लगाना है और पूरा बेल्ट तक जिप कैसे रखना है वो हम इस वीडियो में डिटेल्स में देखने वाले हैं। और प्लस इसमें हमारी जो बेल्ट में है बिल्कुल भी कोई भी स्टिचिंग ऊपर नहीं दिखने वाली है, और अंदर से इस तरह से कुछ फिनिशिंग होगी जिप की भी। तो चलो ये वीडियो पूरा देखिएगा, इस तरह का बेल्ट फिनिशिंग से कैसे सिलना है। इसके लिए बेल्ट हम देखो, पिछली बार हमने स्ट्रेट बेल्ट काट रहा था, बट अभी हम डिज़ाइनर तरीके से राउंड बेल्ट काटना सीखेंगे। वी विल मेक राउंड बेल्ट विथ कैनवास। चलो अभी हम कैनवास काटेंगे। देखो बॉटम कैनवास में बेल्ट के लिए ले रही, उसी पे हम मार्किंग करेंगे। फ्रंट और बैक साथ में ही काटेंगे। तो अभी हमें दो वेस्ट का यूज़ करना है। देखो तो अभी हमारी मेरी रेडी वेस्ट मुझे चाहिए 34, तो मैं नीचे के वेस्ट में प्लस 2 इंचेज़ ऐड कर सकती हूँ, 2 to 3 अकॉर्डिंग टू हिप्स। हैवी साइज यू कैन ऐड 3 इंचेस, ठीक है। अपनी वेस्ट में 2 या 3 इंच ऐड करना है। यहाँ से हम नीचे लेंगे 32, 34 + 2, 36। 36 डिवाइड बाय 4 वी विल टेक 9.25 इंचेस मार्जिन। नहीं, मार्जिन में तो हम इसको नहीं आने देंगे, मार्जिन वी डोंट हैव टू ऐड, मार्जिन हम ऐड नहीं करेंगे। सो 9, नाउ मार्किंग 1 इंचेस हियर, 1 इंच हम यहाँ मार्क करेंगे और इस तरह कर्व शेप करेंगे फ्रेंच कर्व। ओके, नाउ मार्किंग 1.5 इंचेस विड्थ, 1.75, अच्छा लगेगा। अब ये बेल्ट आप कोई भी शेप का बना सकते हो, जैसे कि अभी अभी ट्रेंड में चला हुआ है ये इस तरह का बेल्ट। तो अभी हमारे पास और भी बहुत सारे लहंगे, कली लहंगे बहुत सारे, तो उसमें हम ये वाला ट्राई करेंगे, ये वाले बेल्ट जिसमें ऊपर से ऐसा दिखता है। अभी हम राउंड नॉर्मल बेल्ट ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक टू एडवांस लहंगा कोर्स है तो हम बेसिक से जाएंगे, इसलिए फर्स्ट लहंगा एकदम सिंपल सोबर और फिनिशिंग के साथ हमने बनाना सीखा। 1.75 वी हैव टू मार्क फ्रॉम कर्व शेप। क्लियर। अब इसको कटिंग करने के लिए आप बहुत सारी आलपिन लगा सकते हो। ये हम बॉटम कैनवास ले रहे हैं, इस टाइप का कैनवास है। ये देखो, ये कैनवास जो है खिसकता है, ये कटिंग करते वक्त तो पिन लगा लेनी है। अभी ऊपर वाली वेस्ट कितनी है वो भी हमें मेजर करनी है। ऊपर वाली वेस्ट 34 होनी चाहिए। सो देखो 8.5 आ गया, क्लियर। ऊपर वाली वेस्ट से नीचे वाली वेस्ट थोड़ी ज़्यादा होगी, 2 to 3 इंचेस। हैवी साइज में 3, नॉर्मल साइज में 2, मेरे जैसे में। अभी हम इसको चिपका लेंगे। चिपकाते वक्त सेंटर से हल्का सा मैं ऐसे फोल्ड रखूँगी तो अच्छा शेप आ जाएगा। ऊपर से 17, नीचे से 18, और क्लाइंट के कभी भी जितने हम वेस्ट मेजरमेंट ले रहे हैं उससे ज़्यादा ही ये बेल्ट बनाना, एटलीस्ट 2 इंच ज़्यादा, क्योंकि हम नॉड वाला बना रहे हैं, नाड़े वाला। यू हैव टू ऑलवेज मेक क्लाइंट्स लहंगा 2 इंचेस एक्स्ट्रा वेस्ट। अभी हम चिपका लेंगे इसको। आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप लंबा लंबा भी चिपका सकते हो, दोनों एक साथ।
इसको सीधे साइड से चिपकाएंगे तभी चिपकेगा। नहीं ज़्यादा टाइम रखते हैं तो भी वो जलती तो नहीं है। क्योंकि इस पे ये दिया हुआ है नीचे। फोर ऑफ साइड वी वांट मार्जिन हाफ हाफ इंच, चारों तरफ हमें हाफ हाफ इंच मार्जिन चाहिए। मैम ये नीचे जो लगा हुआ है वो सिलिकॉन में है या कुछ और है? ये इसका मटेरियल मुझे नहीं आइडिया, इसको आयरन बोर्ड ही बोलते हैं। ये सिल्वर कौन सी सिल्वर स्टार स्टीम आयरन है ये। इसमें ये सब मटेरियल इस आयरन के साथ ही आता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता कि इसमें कौन सा ये यूज़ किया हुआ मटेरियल। आई डोंट नो अबाउट मटेरियल्स ऑफ आयरन बट आई नो ओनली इट्स अ सिल्वर स्टार आयरन एंड इट्स गुड फॉर बुटीक पर्पस। चलो ये दोनों तो रेडी है, अभी इसका हमें एक और लाइनिंग कट करना है और एक मेन फैब्रिक एक और लाइनिंग हो जाएगा क्या? मुश्किल लग रहा है, कल वो भी काट डाला था हमने। अभी हमें इसका मेन फैब्रिक और एक और लाइनिंग काटना है, पहले मेन फैब्रिक काट लेते हैं। इसमें हमें आड़ी लाइन रखनी है तो लाइन के अकॉर्डिंग हम काटेंगे। वी वॉन्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक बार मैं इसको बड़ा बड़ा ही काटूंगी, फिर मशीन से स्टिच हो जाएगा। अब एक एक लाइनिंग और काटेंगे। शेप में काटना है बिल्कुल। पहले हम इसको मेन फैब्रिक के साथ ज्वाइन करेंगे, कैनवास वाले के साथ मेन फैब्रिक। लाइंस का ध्यान रखना है, क्रॉस क्रॉस नहीं होना चाहिए, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। अब हम इसको काट लेंगे। अभी हमें ये दोनों आपस में जॉइंट करने हैं। एकदम परफेक्टली मैच करते हुए। अब लाइनिंग को भी मैच करते हुए हम जॉइंट कर लेंगे। अभी हम इसको इसके साथ जॉइंट करेंगे।
नीचे हमारा लेवल होना चाहिए, ऊपर नीचे ऊपर कुछ भी होगा तो चलेगा, थोड़ा बहुत डाउन साइड वी वॉन्ट लेवल। सामने से पैक नहीं करना। अभी हम यहाँ पे एक पट्टी लगा के स्टिच करेंगे, बचा हुआ अस्तर लेके हम यहाँ कट लगा देंगे। यहाँ पे हम धार सिलाई कर लेंगे। पहले अंदर से एक और स्टिच करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम टॉप स्टिच करेंगे मार्जिन लाइनिंग के साइड। अब हम आयरन करेंगे। अभी हमें बेल्ट लहंगे में लगाना है। देखो इस तरह से हम रखेंगे सीधा और सीधा आमने सामने, और यहाँ से हम बेल्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। हारपिन वाला लेके आओ इस तरह से। सेंटर हमारा सेंटर में आना चाहिए, बोथ जॉइंट शुड बी मैच। ये 36 है तो ये भी हमारा 36 होना चाहिए। थोड़ा मैं इसको खींच लूंगी। ठीक है, अब इक्वल आ रहा है। यहाँ से भी हम पूरे में ऐसे ही लगा लेंगे। वेस्ट हमारी 36 के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए थी, मैंने 34 कर दिया। थोड़ा खींचेंगे तो भी लेवल हो जाएगा। तो चलो कैनवास के जस्ट एज पे स्टिच मारते हुए आना है, और ये थोड़ा सा बच रहा है तो मैं बाहर रख रही हूँ। मैंने बेल्ट को ऐसे रख के नहीं बताया था ना वीडियो में, बेल्ट को मैंने वहाँ ऐसे रख के बताया था। और पिन निकालते हैं।
देखो ये बेल्ट इस तरह से शेप में दिख रहा है, ये दिखाने के लिए मैंने वापस आलपिन निकाली है। जो अंदर वाला पोर्शन है वो स्टिच हो गया है, ये वाला पोर्शन हमारा जॉइंट होगा। इधर आओ, उधर से पकड़ो, गिर रहा है वो। अब हम जिप लगा लेंगे, जिप लेके आओ। जिप लगाते वक्त हमें लाइनिंग ऐसे बाहर ही छोड़ना है। सिंगल फुट लगा लेंगे, तो ये हमारी सीधी जिप है, राइट साइड जिपर स्टिच लाइक दिस। यहाँ हमें इसको अंदर ले लेना था, थोड़ा स्टिच खोलना पड़ेगा और इसको हम अंदर लेंगे। राइट साइड जिपर, नाउ रॉन्ग साइड, स्टार्ट स्टिचिंग विथ बेल्ट। वी हैव टू अटैच जिप टिल द 7 to 8 inch। बेल्ट के साथ 7 से 8 inch तक हम जिप लगाने वाले हैं। अब जिप दूसरे साइड भी लगानी है, तो दूसरे साइड लगाने से पहले हम करेंगे मार्किंग। पैन तो इधर होना चाहिए। पैन 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 से मार्किंग करेंगे हम, ताकि दोनों साइड का हमारा लेवल मैच हो। नहीं तो क्या होगा, बेल्ट का ये पार्ट इधर आ रहा है, दूसरा साइड ऊपर जाएगा। वी वॉन्ट परफेक्टली मैच्ड अवर अदर साइड, दूसरा साइड पूरा मैच होना चाहिए, इसलिए हम मार्किंग करेंगे। और आपको हो सके तब तक पेन से ही मार्किंग करनी है, ताकि आपको दिखेगी। इतना भी ज़्यादा डार्क कलर नहीं है, तो हम पेन से ही मार्किंग करेंगे। यहाँ मार्क हुआ और एक यहाँ मार्किंग करेंगे। एक एंड पॉइंट पे भी करेंगे। मार्किंग भी सही होनी चाहिए, नीचे वाली मार्किंग है और ये परफेक्ट है। अब दूसरे साइड लगाना है, दूसरे साइड भी ऊपर की थोड़ी सी स्टिच ओपन करेंगे। इससे 1/2 inch अंदर की लेवल में मैं ओपन कर रही हूँ। ओपन करेंगे और यहाँ मैच कर देंगे। अब यहाँ पे हमें नीचे से जिप लगानी है।
मार्किंग शुड बी परफेक्टली मैच्ड, अदरवाइज इट विल बी अनइवन। मार्किंग अच्छे से मैच होनी चाहिए। ये मार्जिन को हम अंदर की तरफ रखेंगे। अब हम ये स्टिच कर देंगे वापस। लॉक कर देंगे। अब हमें ये पार्ट को फिनिशिंग करना है। आप सब सोच रहे होंगे कि इसमें अभी नाड़ा ये सब कैसे डालेंगे, तो वो सब अभी हम देखने वाले हैं कि कैसे करना है। और यहाँ ज़्यादा जॉइंट पे हमें थोड़ा जो है ज़िप को लूज़ लूज़ ही रखना है। और लहंगे में कभी भी इम्पोर्टेंट ज़िप लगानी है, ये 10 रुपीज़ वाली या 5 रुपीज़ वाली होती है तो 40 की लगानी होती है। 40 में भी एक इम्पोर्टेंट आती है, मैंने ये 10 वाली लाई है, ये कभी भी लेकिन ख़राब हो सकती है। इन लहंगा वी हैव टू अटैच हैवी जिपर, 30-40 रुपीज़। इट्स लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल जिपर। देखो एक बार बंद करके देख लेंगे कितना अच्छे से मैच हो रहा है। अभी हम देखेंगे कि नाड़े की ओपनिंग ये सब कैसे रखना है इसके अंदर। यहाँ पे हम लाइनिंग से कवर करेंगे। सिंगल फुट का काम खत्म। जहाँ से हमारी जिप स्टार्ट हुई हम वहीं से लगाना चालू कर देंगे। ऊपर से भी आप लगा सकते हो तो भी चलेगा, ऊपर का तो हमारा ऐसे ही अंदर चले जाएगा। ऊपर को हम ऐसे ही मोड़ देंगे, तो यहाँ से हमें लगाना स्टार्ट करना है। अभी ये स्टिच मारने से पहले हमें ये कर देना चाहिए था, वापस मैंने स्टिच मार दी। बिफोर एडिंग स्टिच आई हैव टू डू दिस। सिंगल फुट डालना पड़ेगा वापस, क्योंकि जिप खराब हो जाएगी। अभी हमें ये ऐसे लगाना है। इस तरफ से एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देंगे।
तो देखो अभी जिप की फिनिशिंग इस तरह से हो गई है यहाँ पे। दूसरे साइड भी हम ऐसा ही करेंगे, इसको हम मोड़ देंगे नॉर्मली। इस तरह से यहाँ पे ऐसे फिनिशिंग हो गई है। अब दूसरे साइड भी कर लेंगे। यहाँ पे हम बीच में फैब्रिक भी रख सकते हैं ऐसे, ताकि ज़िप चुभे ना, लेकिन चलेगा। ज़िप को हम काट देंगे। मार्जिन को सबको लेके स्टिच कर देंगे। अब हम देखेंगे जिप बंद करके। सुई में धागा डालो ना, हेमिंग करनी है। जिप फिनिशिंग बाहर से और जिप की फिनिशिंग अंदर से। अभी तो हम ये भी फिनिशिंग करेंगे सब, वो देखते हैं कि कैसे करना है। पहले हम यहाँ स्टिच कर लेंगे एक बेल्ट पार्ट पे। यहाँ का भी मोड़ देंगे। अब हम इससे पूरा ये फिनिशिंग कर देंगे, यानी कि अभी हमें हेमिंग करनी है। पहले मैं आयरन कर देती हूँ एक बार। यहाँ पे हम इस तरह से तुरपाई करेंगे अंदर लेके। अब मैंने ये वाला पार्ट अंदर नहीं लिया। लाइनिंग स्टिच हो गया यहाँ पे, स्टिच ओपनर लेके आऊँ। यहाँ वापस स्टिच मारनी पड़ेगी।
आप लोग को बेल्ट लगाने का कौन सा तरीका अच्छा लगा, पहले वाला, फर्स्ट वाला या फिर ये? फर्स्ट वाला मेथड कम बजट के क्लाइंट वालों का है, ये ज़्यादा बजट के क्लाइंट वालों का है। अगर आप एक लहंगे की स्टिचिंग चार्ज 2000 से ज़्यादा लेते हो तो आप ऐसे मेथड यूज़ कर सकते हो। फ्यूजिंग टेप, दोनों फ्यूजिंग टेप हम साथ साथ में लगाते रहते हैं ताकि बाद में हेमिंग में आसानी होगी। कितना अच्छा लग रहा है देखो। हेमिंग तो करनी जरूरी ही है। हेमिंग अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो क्रॉस क्रॉस हो जाएगा, इसलिए मैं इस तरह से पहले चिपका ले रही हूँ। चलो तो यहाँ पे हेमिंग मैं बाद में कर लूँगी। हेमिंग एकदम टाइट करनी है जिससे हम नाड़ा डालें तो ये ऊपर ना खिसक के आए। हो सके तो हम यहाँ पे भी एक एक सिलाई मार देंगे हैंड स्टिच ताकि ये पूरा स्टिफ रहे। अभी हम नीचे की फिनिशिंग करेंगे। यहाँ तक आपको कैसा लगा, इजी? देखो स्ट्रेट बेल्ट और राउंड बेल्ट में इतना डिफरेंस होगा कि शेप अच्छा दिखेगा। मेजर टेप लगा। वेस्ट चेक कर लेते हैं एक बार। ऊपर की हमें चाहिए 17 अराउंड, नीचे की हमें चाहिए 18 अराउंड। परफेक्ट। देखो एक बार ऐसे देख लेंगे एकदम परफेक्ट लेवल में है या नहीं। अगर आप हैवी घाघरा बना रहे हो तो क्लाइंट को बुलाना है, नीचे का स्टिचिंग होने से पहले क्लाइंट को बुलाना है और उसको पहना के दिखाना है। वो अगर हील्स पहनना चाहते हैं फंक्शन में तो उनको हील्स पहनाना है और ट्राई करवाना है कि नीचे से परफेक्ट है या नहीं। इफ़ यू आर मेकिंग लहंगा फॉर इफ़ यू आर मेकिंग हैवी लहंगा फॉर क्लाइंट देन यू हैव टू इन द हाफ स्टिचिंग प्रोसेस यू हैव टू कॉल द क्लाइंट टू वेयर दिस एंड यू हैव टू चेक द लेवल। इफ दे आर प्रिफरिंग टू एड हाई हील्स देन यू हैव टू चेक लाइक दिस आफ्टर एडिंग हाई हील्स। देखो अभी एकदम लेवल आ रहा है, एकदम परफेक्ट। कैनकेन वाला लहंगा हम अलग से बनाएंगे तो उसके अंदर अटैच करेंगे और प्लस एक फोर सर्कुलर वाला लहंगा भी हम बनाने वाले हैं, उसमें साथ में कैनकेन लगाएंगे।